आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सीहोर और बैतूल जिले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर के दो अलग अलग ठिकानों में छापेमार कार्यवाही की है। यह कार्यवाही आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने की है। ईओडब्ल्यू की टीम को शुरुआती जांच में स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर करोड़ों का आसामी मिला है। फिलहाल कार्यवाही अभी जारी है। कार्यवाही को लेकर ईओडब्ल्यू एसपी राजेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दबिश के दौरान स्टोर कीपर के घर से 45 लाख रुपए की नकदी और 9 लाख के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा 22 लाख बैंक खाते में मिले हैं, 23 LIC की पॉलिसियां और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक स्टोर कीपर KV वर्मा वर्तमान में बैतूल जिले में पदस्थ है, जो पूर्व में सीहोर जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर के पद पर पदस्थ रहे हैं। बताया गया है कि आज सुबह बैतूल में CMHO कार्यालय में पदस्थ स्टोर कीपर कृष्ण वल्लभ वर्मा के बैतूल स्थित आवास सहित सीहोर आवास में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्यवाही की है। स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर कृष्ण वल्लभ वर्मा पूर्व में सीहोर में पदस्थ थे और वर्तमान में बैतूल के CMHO कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें अस्पताल के स्टोर का प्रभार दिया गया था, लेकिन वो विभागीय परचेसिंग का काम देख रहे थे। मंगलवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल से सीधे बैतूल पहुंची, जहां कृष्ण वल्लभ के ठिकाने में दबिश देने के बाद दोपहर में उन्हें अपने साथ लेकर सीहोर रवाना हो गई। ईओडब्ल्यू सीहोर शहर के पॉश कॉलोनी दागी स्टेट स्थित आवास पहुंची, जहां संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू की कार्यवाही खबर लिखे जाने तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते स्टोर कीपर की आय से अधिक कुल संपत्ति का खुलासा नहीं हो सका है।